असी तनखाह नहीं घटा रहे ना ही बंद कर रहे हैं। तनखाह जदों तक लोग तुहानूं चुणनगे वो मिलणगे, पत्ते मिलणगे, हल्के दे पत्ते ने वो मिलते ने। मैं एम पी रहा, बेसिक पे 50,000 सी, बाकी पत्ते मिलते सी। पर तुसी जे कंपेयर करोगे कि चीफ सैकटरी लैवल है साडा जा इंपलाइज नाल, इंपलाइज जे 20 साल नौकरी करूगा तां उन्हूं पेंशन मिलती है सर, जे 20 तो घट करूगा उन्हूं पेंशन नहीं मिलती। तो फिर एम एल ए 5 साल बन गया तो फिर तुसी चीफ सैकटरी का लैवल ले लिया सारी उम्र वास्ते। कोई बंदा 27 साल का एम एल ए बन गया, 32 साल का वो हो गया, 32 साल तो बाद उन्हूं अगली बार टिकट नहीं मिली, तो 32 साल तो बाद वो सारी उम्र लई मतलब इंपलाइज के बराबर का किवें ले सकता सर बाजवा साहब? नहीं नहीं एक मिनट सर, लैट मी स्पीक सर। नहीं अग्नि फिर अग्निवीर तो उन्होंने पूछ लो, अग्निवीर वाले बैठे ने, असी तो अनु एक कहने। नहीं एक मिनट सर, सर बाजवा साहब जो टिकट मंगते हो मैं हूँ बोल लैन दो, जो टिकट मंगते हो एम एल ए की उदो नहीं पता होंगे कि तनखा है, तुम उस नौकरी वास्ते अपलाई क्यों करते हो फिर जी तनखा इन्नी है? मैं एक मिनट जो मैं पता है के, सर 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 प्लीज लेट लेट मी स्पीक सर। टिकट मंगते हो बैठो, टिकट मंगते हो एम एल ए बना दो एक बारी, बाकी साडा काम है। सर जो थोनू सर सुनो तो सही, सर सुनो तो सही ना, सर सुनो ना, मैं रोज सुनाऊंगा, मैं चुने हुए मैं सुनाऊंगा, तुम सुन की हत पा लो हूं 5 साल सर जो जाए। निश्चित की जाती है कि इन्नी मिलूगी, जो पता है कि एम एल ए बनना है तो फिर इन्नी तनखा है तो फिर वास्ते मर मर के टिकटा वास्ते क्यों भजते फिर होंगे अपने प्रधान के घरें? मैं टिकट मैं कोई होर काम कर लो फिर, जे तनखा ही इन्नी लेनी है जेड़ी जेड़े वास्ते तुसी अप्लाई की है ओनी तनखा मिलूगी ओनी पेंशन मिलूगी। बस इट बाजवा जी, दिल्ली नहीं सी बधानी चाहिदी गल करन दी भी इत्थे तुसी हर चीज दे उत्ते व्हाई डू यू मेक एवरीथिंग ड्रामेटिक, व्हाई यू ऑलवेज प्लेइंग टू द गैलरी। 24 घंटे तुसी ध्यान तुहाडा लाइव प्रोग्राम वल ही हुंदा, जे जेन्युइन तुहाडे सामने गल रख अहीं कहिंदे बंद कर दो जी, बंद कर दो जे होर बाजवा जी बैठो, बंद कर बाजवा जी बैठो, चेयर पर डेस्क जी मुख्यमंत्री साहब। हां बधाउन वास्ते ऑल पार्टी सर ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है सर, तनखाहां वास्ते रिव्यू करांगे ठीक है ना, पर कांग्रेस नूं कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए साडे तों, लोकां नूं ऐ पंजाब दे 3 करोड़ लोकां नूं किसी भी गल की कोई गल है जे तुसीं जे तुहानूं पता है। एक मिनट सर, सर तुहानूं जो राज्यसभा के मैंबर से तो तुम बहुत तनखा मिलती थी, तुम क्या मैं एम एल ए की सेवा करनी है पंजाब, तुम्हें पता नहीं फिर कि तनखा है, तुम घट तनखा वाल क्यों आए फिर टिकट लैके? सर सेम है जे दसो, दिस इज रिटन के इन्नी तनखा है, दिस इज रिटन इन्नी तनखा है, इन्नी पेंशन है, अपलाई करना है अपनी पार्टी के प्रधान को कहो मेरी पहला तनखा बधाओ जो मैं कोई भत्ता दो मैं करूंगा अदरवाइज नहीं करूंगा। डॉक्टर सुखी मंत्री जी को कहना चाहते हैं, एक मिनट सीमा जी को कहना चाहते हैं। मैं बैठो 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 सरदार प्रगट सिंह जी बैठो, मैं क्लीयर कर दूं दो, बैठो बैठो बैठो। ऑलरेडी मैं सारे मैंबर साहबान को बेनती करता कि जिन्हों ने अपनी तनखाह के संबंध में गल करनी है ऑलरेडी जी कमेटी आ ऑलरेडी भाजपा प्लीज एक मिनट सुन लो हम तुम सुन नहीं सकते, कमेटी बनी हुई आ उस कमेटी तुम अपना मुद्दा रख सकते हो, मानयोग स्पीकर साहब के चेयरमैन ने गे और तुहाडे भी मैंबर दे मैंबर ने गे और साडे सरकार दे भी हुंदे ने गे, सो तुसीं उत्थे तुसीं अपनी गल रख सकते हो। ये जिहड़ा हैगा सिर्फ पेंशन दा गा, तनखाह वधाउण वाले मुद्दे ते एक मिनट मैनूं क्लियर कर लो, ऑलरेडी जिहड़ी हैगी आ मानयोग स्पीकर साहब की अगवाई च पहला कमेटी चल रही आ, वह कोई उहदे फाइनल नहीं कीता, जे तुसीं तुहानूं लगदा तुसीं अपनी अपनी गल लिखती तौर ते दे दिओ, जिहनूं वधाउणी चाहुंदा गल खत्म करो। मानयोग मुख्यमंत्री जी सॉरी मुख्यमंत्री साहब, सर बाजवा साहब की मैं एक इंटरव्यू सुनी, बाजवा साहब की मैं एक इंटरव्यू सुनी जिदे विच कहिंदे सी मेरी 65 साल की उम्र होगी, मैं बहुत सर्व कर लिया, मैं 5 चीफ मिनिस्टर के अंडर काम किया, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा, हूँ मैं पंजाब की सेवा करनी है इस बार, मैं
इतों लड़ूंगा अपनी कंस्टिट्यूंसी, मैं सेवा करनी। तो हूँ इतने आके कहते सेवा तनखा बताओ, सेवा की, सेवा की पेंशन दो, सेवा दी आ करो। सर ऐसा ना करो ना, तुहानू पता सी ना तुसी राज्यसभा छड़ के आए हो, तो तुहानू पता सी कि MLA बनना है, इन्नी तनखा है, तुसी क्यों अप्लाई किया फिर? बाजवा जी सारे सारे तुसी यही गल कर रहे हो, जिन्नी तनखा है सर उन्नी मिलूगी, सर दोनियों मिलूगी। लोग 5-5 हज़ार से कम कर रहे हैं, पंजाब के बेरोजगार लोग 5-5 हज़ार से कम कर रहे हैं, फिर भी घरे रोटी पकती है। सो ए ना करो, आपां अगे चली। डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी जी, सुखी जी एक मिनट सर, सुखी जी बैठो, बाजवा जी बैठो, बैठो प्रगट सिंह जी बैठो, सुखी असी ता असी को एक मिनट सर, CM साहब उनते आ माड़ा जा प्लीज, एक मिनट जी CM साहब, CM साहब एक मिनट सुनो तो सही। हां जी CM साहब, ठे खूद जेड़े शब्द चेयर दी इजाजत तो बिना कहे जा रहे ने वो रिकॉर्ड ना किए जा, चोर चक्के भी रिकॉर्ड ना रिकॉर्ड किए जा जी। सुखी जी CM साहब जी, असि यही बेन असी कोई असी नहीं क्यों जो है किसी तनखा बधा के जाओ, असी कहने भी जेड़ा कहना तुम पेंशन के DA लाया वो जो बेचारे सू अपनी असं बाद की गल गल करें जे सा ड्राइवर चलता, देखो जो तुम अपना प्राइवेट ड्राइवर लें उन्होंने तुम देने 10,000, जो सरकारी हो जा लख लैंदा होी कहने जे तुम थोड़ी वो तनखा बढ़ जाए तो वह सरकार का भी फायदा, जो असं अपना प्राइवेट रखा 10 तो जो 15 हो जाएगी जो 20 हो जाएगी वो की नुकसान आ सरकार हर एक मिनट सर मैं एक मिनट कर लो जी एक मिनट। दूसरा PA जी, PA दसो जी, PA 10,000 ची जे DA कर दो तेन 10,000 प्लस DA घट तो घट तुम कोई तो असं यही असं इन्नी की मंग करते इस बाद मंगते नहीं असं कुछ जी। जंगी लाल जी प्रगट जी कुछ कहना चाहोगे? जंगी लाल जी बैठो जी। स्पीकर साहब सब तो पहला तो मैं माफ़ी चाहना कि मैं एक योजा इशू लिया जोड़ा शायद साढ़े चीफ मिनिस्टर साहब न बहुता चंगा नहीं लग्या, उदा कारण यह है। एक मैं होर जरूर बेनती जरूर करनी चाहना कि जोड़ा MLA का प्रोटोकॉल है ना वह भी उत्थे लिया जाए जिथे सरकार का सिस्टम काम करता, क्योंकि क्योंकि फिर आप प्रोटोकॉल भी कहदे लिए रखना, वह भी खत्म कर दौ, बिल्कुल खत्म कर दौ, ये कोई रौला नहीं है, क्योंकि मैनू ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जदों एक तुसी डेकोरम दे विच काम करते हैं तो फिर कितने ना कितने जाके तो खड़ोगे, तुहानू किसी BDO ने नहीं खंड देना, तुहानू कितने JE ते पंचायत सैकटरी ने नहीं खंड देना। मान साहब थोड़ा जहा तुहाडे मेरे रिक्वेस्ट हैगी यार, नहीं मैं मैनू कोई यह प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने भी आप लोअर कर लीए सो दैट कि अल्टीमेटली गलू, क्योंकि जो हर चीज ही गैलरी ना खेडनी है तो खेडी लो। जंगी लाल जी स्पीकर साहब असी इतने आने तो पहले जिसले इलैक्शन च गए सी तो असी लोगों दिनत कीतियां तरले पाए पैरी हथ भी लाए कि भाई सानू एक सेवा का मौका जरूर दे, असी इस पवित्र सदन में सेवा वास्ते आए हाँ, मेवे वास्ते असी नहीं आए। बेशक तनखा पूरी बंद कर दियो जिन्हें सेवा करनी सेवा करने लिए आवे, मैं तो जो आजाद 17 में चुनाव लड़िया सी उदों भी मैं अनाउंस किया पब्लिक नू कि जेड़ी मैनू तनखा मिलेगी वो चो एक नवा पैसा खाना मेरे वास्ते हराम होगा, मैं जरूरतमंद लोगों की देंगा, और हूँ भी मैं यही वादा करके आया, मैं उतनू मेरे मन में तसली है, पेंशन भी ना मिले तां भी तसली है, लेकिन मन दे विच भावना लोगों की सेवा करन दी, सेवा ते सेवा वास्ते मेवा नहीं चाहिदा, असी तो उस गल ते खड़े। थैंक यू जी। प्रश्न है कि द पंजाब स्टेट लैजिस्लेचर मैंबर्स पेंशन एंड मैडिकल फैसिलिटीज रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2022 ते तुरंत विचार किया जाए, जेड़े माननीय मैंबर प्रस्ताव के हक विच हन ओ हां कहन, जेड़े माननीय मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हन ओ ना कहन। मैं समझदा हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया, हुण सदन बिल ते कलाजवार विचार करेगा, कलाज 1 दी सब कलाज 2। प्रश्न है कि कलाज 1 दी सब कलाज 2 बिल का हिस्सा है,
ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਲਾਸ ਦੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੋ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਦੀ ਸਬ ਕਲਾਸ ਇੱਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਦੀ ਸਬ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਲੇਖ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਇਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ MLAs ਨੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਇੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬੋਰੋਇੰਗ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਬਜਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਜਟ ਐਟ ਅ ਗਲਾਂਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ 'ਚੋਂ 60% ਤਾਂ ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ PSPCL ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਟੇ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15-20 ਪੈਸੇ ਹੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ GSDP ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 3.5% ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਦੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ 4% ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।
एफ एम साहब और किसी ने बोलना जी इस पेस्ट जो कोई और बोलना चाहता बोल लो जी एफ एम साहब मानजोग स्पीकर साहब 2021 दे विच जिहड़ी असी साडी लिमिट सीगी वह 5% सीगी और 2021-22 चो 4% आ गई हुण असी घटा के 3.50 कर रहे हैंगे और असी करजा कोई बधा नहीं रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि तुहाडी जिनी GSDP स्टेट की वो तहत तुसी किन्ना करजा लै सकते होगे क्योंकि जिन्ना करजा चढ़िया मैं मैंबर साहबान दसना चाहना गा जिन्ना करजा चढ़िया जिन्ना हुण तक असी लिया गा जिन्ना असी लिया गा असी उहदे च ज़्यादातर जिहड़ी पिछे वॉरिंग की हुई है जिहड़े पहला करजा लिया होया गा ज़्यादा असी उहदियां किस्तां पे कर रहे हैं जे असी ये सारे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रबंध कर दी है जे असी स्टे जो है कर्जा लेना स्टेटा बंद कर देनगियां बस पंजाब बंद कर दूगा तो जो पुराना कर्जा खड़ा गा और डिवेलपमेंट जी रुक जूगी असी कोई एक्सट्रा कर्जा नहीं लै रहे वादू कर्जा लै रहे और मैं इस जी सा गवर्नमेंट आ करजा घटा रही है असी ये नहीं कि 4% तो बद लै रहे हैं असी कह रहे हैं कि असी 3.5% तक लवेंगे और मैं हाउस के दसना चाहता मान साहब ने हिदायत जारी की है कि 3.5 नहीं सिर्फ 3% तक ही लैना गा और असी होर भी वो पिछे जा रहे हैं पर लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी अमेंडमेंट है जरूरी होंगी और करनी होंगी है सो उसके तहत जी अमेंडमेंट हो रही है थैंक यू प्रश्न है कि हैनरी धन्यवाद स्पीकर साहब तुसी इस एक्ट बोलने का समा दिता स्पीकर साहब मैं थोड़े मार्फत फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो यह पूछना चाहना है कि जिहड़ा इन्होंने बजटेड प्रोविजन किया है वह 3.78 का प्रोविजन किया वेयरएज के 3.5 तो उपर नहीं जा सकते एंड फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हुण ही यह तस्दीक की है कि पिछली सरकार ने 5% 4% तो हुण असी 3.5% कर लगे हैं कि यह सरकार के हाथ होंगे कि प्लैनिंग कमीशन इन्हों हदायत करता है कि तुम उन्ने तक ही चक सकते हो एंड 5% वाली जी है पिछले सरकार ने जिहड़ियां गलत काम किए हैं सारे के मुतलक कि वह सिर्फ इस करके होया कि कोविड की स्पेशल प्रोविजन हुई सी तो उस करके 5% अगर ये क्लैरिटी दे सकन फाइनेंस मिनिस्टर साहब थैंक यू एफ एम साहब बिल्कुल मैंबर साहब ने सही फरमाया कि 15वें वित्त कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक जोड़ा पहला घरेलू जी सा राज का उत्पाद से उसे 4% लै सकते बीकी और उस तो बाद GSDP का 3.5% आ गया सो हुण जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है साडा कि राज नूं नैशनल पेंशन सिस्टम के अधीन भी असी लै सकते हैं पर मैं फिर कह रहा कि असी जिन्ना सानूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है असी वो तो कितने घट लवेंगे इसलिए पर लेकिन जे असी तुसी कहने भी नहीं लवेंगे ना तो स्टेट का प्रबंध नहीं चल सकता कर्जा लेना पेगा और असी मोड़ भी रहेंगे पर असी जिम्मेवारी का कहने गे कि जिन्ना कर्जा पहला लिया गा जिहड़ियां लिमिट्स आ जिहड़ियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिमिट कही वो तो कितने घट लवेंगे हैनरी थोड़े मार्फत फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने उसकी क्लैरिटी नहीं दी कि अपनी बजट प्रोविजन 3.78 रखिया कि नहीं रखिया बिल्कुल रखिया गया पर लेकिन जी गल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है असी वो जो एक्ट लैके आए हैं तहत अमेंडमेंट कर रहे हैं बिल्कुल रखिया साड़ी GSDP का रखिया असी ने गे लेकिन असी मैं पहला भी कहा स्पीच भी उदो भी सारा क्लैरीफाई किया दोबारा क्लैरीफाई कर रहे हैं जेकर नहीं लगे पता कि असी बिल्कुल रखिया सी पर लेकिन लवेंगे 3.5 थैंक यू प्रश्न है कि द पंजाब फिस्कल रिस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2022 ते तुरंत विचार किया जाए जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक विच हन ओ हां कहन जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हन ओ ना कहन मैं समझदा हाँ कि हां पक्ष की जित है हां पक्ष की जित है प्रस्ताव स्वीकार होया हुण सदन बिल ते क्लाजवार विचार करेगा क्लाज 1 की सब क्लाज 2 प्रश्न है कि क्लाज 1 की सब क्लाज 2 बिल का हिस्सा है जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक विच हन ओ हां कहन जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हन ओ ना कहन मैं समझदा हाँ हां पक्ष की जित है हां पक्ष की जित है प्रस्ताव स्वीकार होया क्लास 2 प्रश्न है कि क्लास 2 बिल का हिस्सा है जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हां कहन जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हैं ना कहन मैं समझदा हाँ कि हां पक्ष की जित है हां पक्ष की जित है प्रस्ताव स्वीकार होया क्लास 1 की सब क्लास 1 प्रश्न है कि क्लास 1 की सब क्लास 1 बिल का हिस्सा है जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हां कहन जेड़े मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हैं ना कहन
मैं समझदा हाँ हाँ पक्ष की जित है, हाँ पक्ष की जित प्रस्ताव स्वीकार होया। सिरलेख प्रश्न है कि सिरलेख बिल का सिरलेख है, जेडे माणयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कह, जेडे माणयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध ना कह। मैं समझदा हाँ हाँ पक्ष की जित है, हाँ पक्ष की जित है प्रस्ताव स्वीकार होया। वित्त मंत्री बिल पास करने लई प्रस्ताव पेश करन। माननीय स्पीकर साहब, मैं भी प्रस्ताव करता हाँ कि पंजाब वित्ती जिम्मेवारी ते बजट प्रबंध सोध बिल 2022 पास किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया कि द पंजाब फिस्कल रिस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2022 पास किया जाए। प्रश्न है कि द पंजाब फिस्कल रिस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2022 पास किया जाए, जेडे माननीय मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कह, जेडे माननीय मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध ना कह। मैं समझदा हाँ कि हाँ पकड़ी जित है, हाँ पकड़ी जित है प्रस्ताव स्वीकार होया। सीएम साहब तुसी कुछ कहना चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्पीकर साहब जी। एक बहुत बड़ा मुद्दा जेड़ा पंजाब दे विच चल रहा है, कच्चे मुलाजमान पक्के करन दा, एडहॉक और जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट ते रखे हुए ने, डेली वेजेस, वर्क चार्ज, टैंपरेरी इंपलाइज, उहदे वास्ते सी ते डी इंपलाइज बिल जिहड़ा 2022 लागू करन बारे मैं इस पवित्र सदन नूं एक इनफॉर्मेशन देन लगी। साडी सरकार की प्रायोरिटी है कि कच्चे मुलाजम जिहड़े ने उन्हां नूं सरकारी नौकरी च पक्का करन दा तनदेही ना असी काम करिए। सर, इस मुद्दे ते 2016 दे विच बनाया होया एक कानून, उहदे विच बहुत कमियां ने, वह अमल च नहीं लिया गया, कानूनी अड़चणां करके वह कोर्ट दे विच पेंडिंग पे। सर, उस तो बाद 2021 दे विच भी बनाया होया खरड़ा अजे तक मानयोग गवर्नर साहब कोले पिया। इन्हां सब अड़चणां दे बावजूद असी एक नवा खरड़ा तैयार किया, अज कैबिनेट दे विच सवेरे असी उन्हूं पेश किया, क्योंकि असी नहीं चाहते कि किसी भी कच्चे मुलाजम नूं कोई हाई कोर्ट की जां कानूनी कोई अड़चन ऐसी आवे कि उन्हां नूं फिर दोबारा वकील करके जब हाई कोर्ट के हुक्मां करके स्टे मिले। सो इस मुद्दे ते असी खुद भी मैं गल करूँगा गवर्नर साहब नाल, क्योंकि मनी बिल है वो पेंडिंग पे है माननीय गवर्नर साहब को। सो इहदे वास्ते असी कानूनी पक्षों मुकम्मल खरड़ा पेश करांगे ताकि वध तो वध मुलाजम उहदे विच कवर हो जाण, किसी दे विच कोई उमा देवी जस्टिस उमा देवी की जजमेंट भी आउंदी है अड़चन च। इहदे वास्ते असी कैबिनेट की 3 मैंबरी कमेटी बनाई है जिहड़ी आने वाले कुछ दिनों तक ही ये सारिया कानूनी अड़चना बारे एजी साहब नाल जां होर कानून के माहरां नाल विचार करके असी भावें सानू स्पैशल सैशन रखना पवे दे वास्ते, जदों ही असी कानूनी तौर पर सही हो गए असी सारे कच्चे मुलाजमान पक्के करन दा वचनबद्धा। तो अज असी कैबिनेट के खरड़ा लियांदा है और कैबिनेट ने अप्रूव करता, तो जिहड़ियां कानूनी अड़चना 2016 2021 वाली ने जब गवर्नर साहब को जिहड़ा खरड़ा पिया वो सारिया दूर करके असी वचनबद्ध हाँ कि असी उन्हां नूं उन्हां मुलाजमान पक्के भी करांगे। जे किसी का कोई वो एज का भी पंगा पिया कि वह कोई ओवर एज हो गया या कोई होर, असी उस भी रिलैक्सेशन देवांगे। सर, धन्यवाद सीएम साहब। सत्कारयोग 16वीं विधानसभा दे सारे माणयोग मैंबर साहबान, पंजाब दे लोकां दे हितां दी राखी लई वचनबद्ध हो के अते सूबे दी बहुपक्षी तरक्की नूं मुख रखदे होए असीं अज 16वीं विधानसभा दे पहले बजट सैशन नूं शांतिपूर्वक ढंग नाल मुकम्मल करन विच कामयाब होए हां। मैं सफलता विच आप सब वल्लों
पाए गए वडमुले योगदान लई आप सब का दिलों धन्यवादी हैं। सूबे दे लोकां दे हितां लई जो सत्ता अते विरोधी दोहां धिरां वलों विलखण सांझ देखण नूं मिली ओ आउण वाले दिनां विच सूबे की तरक्की अते लोकां दी खुशहाली का सूचक है। मैं सदन के समूह मैंबर साहबाना नूं इसलिए वधाई दे पात्र मंदा हाँ। मैं इस मौके ते विरोधी धिर विच बैठे सारियां पार्टियां दे मानयोग मैंबर साहबाना दा खास तौर ते धन्नवाद करना चाहुंदा हाँ, क्योंकि असी सारिया ने सूबे दी भलाई नूं पहल दिंदिया जिन्हां प्रस्तावां ते एक मत हो के समर्थन दिता है सूबे दे लोकां लई एक अदुत्ती मिसाल है। मैं सदन विच बैठे सारे मैंबर साहबाना दी शलाघा करदा हाँ अते दिलों धन्नवाद भी करदा हाँ कि सैशन दौरान आप सब ने लोकतंत्र की सच्ची भावना नाल पवित्र सदन की मर्यादा अते गरमा नूं कायम रख्या। मैनू सदन की कार्रवाई संचालित करने विच कोई भी औख पेश नहीं आउण दित्ती। मैनू यह भी उम्मीद है कि मेरे वल्लों जां सीनियर लीडरशिप वल्लों पहली वार चुन के आए मैंबर साहबाना नूं कोई मुश्किल पेश नहीं आउण दित्ती गई। मैनू पूरा यकीन है कि आने वाले समय विच भी आप सब का इसे तरह सहयोग मिलता रहेगा अते असी मिलके सदन के संचालन इसकी निर्विघन कार्रवाई अते सदन तो बाहर भी जो काम साडे लेखे लाए जाणगे उन्हां नूं नेपरे चाड़न विच कामयाब होवांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सदन अणमिथे समय लई स्थगित हुंदा है।